नगरी धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स हो गया। वहीं बेखौफ गुंडा पर्चा फेंक पैगाम दे जा रहे हैं कि जंगल राज बैक। ये कहना है भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव का। उन्होंने कहा कि धनबाद में अपराधियों में पुलिस का कोई डर भय नहीं रह गया। जब चाहा जहां चाहा वहां दुस्साहसिक कांड कर जाते। रंगदारी नहीं देने पर दुकान में घुसकर व्यवसायी को गोली मार दी जाती है। खौफजदा व्यापारी लोग दुकानों का शटर गिरा रहे हैं। शासन प्रशासन को इसकी कोई चिंता फिक्र नहीं। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि धनबाद के एसएसपी का प्रमोशन डीआईजी में हो गया है। न जाने क्यों अब भी वहां बने हैं। सरकार बेहतर बता सकती है। धनबाद में कोयला माफियाओं का राज चलता है। सुनिए क्या बोले भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव। देखिए, धनबाद सहित पूरे प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो कोलैप्स कर गई है। और अगर आप हत्या अपहरण और बलात्कार के मामलों को देखें तो औसतन ऐसे 5 मामले झारखंड में लगातार हो रहे हैं और धनबाद तो ऐसा लगता है कि क्राइम कैपिटल झारखंड का बनता जा रहा है। वह व्यवसायियों को पत्र दिया जाता है अपराधियों के द्वारा, उसके बाद उनको निशाना बनाया जाता है और कोई कोई घटनाएं तो थाने से महज 200 मीटर दूर होती है। उसके बाद गैंगस्टरों का पर्चा आता है, आई एम बैक। हमें लगता है झारखंड में धनबाद में जंगल राज इज बैक और मुख्यमंत्री जी को तुरंत पहल करनी चाहिए धनबाद में जो व्यवसायियों का आंदोलन चल रहा है उसको समाप्त कराने के लिए और उनको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, सुरक्षा का माहौल तैयार करना चाहिए और जो अधिकारी अपने काम करने में दायित्व में असफल रहे उनको अविलंब हटाएं। बड़ा प्रश्न है कि धनबाद के सीनियर एसपी का डीआईजी में प्रमोशन हुए लंबा समय हो गया, लेकिन कौन सी ऐसी मजबूरी है कि राज्य सरकार अभी भी उन्हें पद पर बनाकर रखी हुई है। धनबाद में विधि व्यवस्था पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई है। फल फूल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अवैध कोयले का व्यापार।